दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े साफ सुने, दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े। नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी के बलिया में अदूरदर्शिता ने किया ददरी मेले के ऐतिहासिक भारतेंदु कला मंच को शमसार। कलाकार मौजूद पर दर्शक और श्रोता नदारद दिखे। 8 बजे से शुरू होना था कव्वाली का मुकाबला, 9:30 बजे तक दर्शकों का रहा टोटा। सबसे पहले पंडाल में पहुंचने वाले बने नगर मजिस्ट्रेट, बाद में पहुंचे ईओ और मेला प्रबंधक। घंटों बाद शुरू हुआ कव्वाली, महज चंद लोग और कुछ पुलिसकर्मी ही मौजूद रहे कार्यक्रम में, जबकि इस कव्वाली कार्यक्रम में हजारों की संख्या में दर्शक होते थे। इस कार्यक्रम का नजारा आप खुद देख सकते हैं वीडियो में। इस बार ऐतिहासिक ददरी मेला ऐसा होगा कि 100 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। ये बातें हम नहीं बल्कि बलिया के लोकप्रिय चेयरमैन अजय कुमार समाज सेवी कहते हैं। आज वास्तव में ददरी मेले के भारतेंदु कला मंच पर 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया, जब कलाकार पहले आ गए लेकिन ना तो मेजबान दिखे ना ही दर्शक। पहली बार भारतेंदु कला मंच दर्शकों के न रहने से शर्मसार हुआ है। इस पांडाल में आने वाले व्यक्ति जो पहले आए वो नगर मजिस्ट्रेट डॉक्टर विश्राम रहे, जिनको रिसीव करने के लिए भी कोई नगर पालिका का कर्मचारी नहीं था। साहब खुद ही अकेले बैठकर फोन किए, तब यू साहब का आना हुआ। नगर पालिका के बाबू माइक से अपील करने लगे कि भाइयों बहनों जल्दी आइए कि कव्वाली शुरू कराया जाए। ये नगर पालिका परिषद की बदइंतजामी और जिला प्रशासन द्वारा इनको खुली छूट देने का नतीजा है। इस बार नगर पालिका का पूरा प्रचार अनुराधा पटवाल और कुमार विश्वास के प्रचार पर है। पहला कार्यक्रम अनुराधा पटवाल का अव्यवस्था की भेंट चढ़कर मात्र 2 घंटे में ही समाप्त हो गया। आज की कव्वाली में कौन कौन कलाकार आ रहे हैं उसका प्रचार ही नहीं हुआ तो दर्शक कहाँ से आएंगे। दूसरा कार्यक्रम भी ऐतिहासिक था, वो भी फ्लॉप हो गया। अब नगर पालिका के करधारों को कौन समझाए कि कुमार विश्वास के अलावा और कौन कौन से प्रसिद्ध कवि और शायर आ रहे हैं, उनके नाम को भी प्रचारित कराया जाए, नहीं तो मुशायरा और कवि सम्मेलन भी समाज सेवी की सोच के अनुरूप रिकॉर्ड कायम कर जाएगा। भारतेंदु कला मंच की गरिमा को ना समझो से बचाना जिला प्रशासन की महती जिम्मेदारी हो गई है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।